तो सोहना से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सोहना में लगातार बढ़ रही हैं। बेको बदमाशों ने कपड़े की दुकान में मारपीट के बाद मैकेनिक शॉप को अपना निशाना बनाया और करीब आधा दर्जन अज्ञात युवकों ने गाड़ी ठीक कराने आए व्यक्ति पर हमला कर दिया। लाठी डंडे समेत कई औजारों से हमला किया। मारपीट के साथ बदमाशों ने 2.5 तोले की चैन और करीब 1 लाख रुपए कैश पर भी हाथ साफ कर लिया। मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई। नहीं, मैं अपनी गाड़ी सही करवा रहा था बस स्टैंड के सामने, तो 10-12 लोग आए, उनके हाथ में रोड थे, डंडे थे और मेरे को एक गैल मारना स्टार्ट कर दिया। मेरी नाड़ में 2.5 तोले की चैन थी, वो ले गए। 1,20,000 रुपये मेरे पास कैश था। मैं तो गुड़गांव में था जी, मेरे पास फोन गया कि तुम्हारे भाई को के साथ में झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई है, लट्ठों से रोडों से उनसे मारा है। तो मैं वहां से तुरंत भाग का आया, तो इतने गांव से दो भाई आए और उन्होंने इसको सोहना सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब मैं आया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो इमरजेंसी में वहाँ गुड़गांव सरकारी अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, इनके सिर में काफ़ी चोट है, हाथ में, छाती में इनमें काफ़ी चोट आई है। जी, तो हम उसे लेके सरकारी हॉस्पिटल गुड़गांव पहुँचे, वहाँ उसको एडमिट किया गया है और डॉक्टर उसकी अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं।